हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन चैनल वाई फाई टीवी बार्डमन अकेडमी। शाम के 6 बज चुके हैं और शाम के 6 बजे आज बिल्कुल 100 MCQs जिसके साथ आपको टाइमर मिलेगा 15 सेकंड का, और इस 15 सेकंड के टाइमर में आप कितने सवाल लगाते हो, कितने सही सवाल करते हो, ये मुझे देखना होगा आज। तो जैसा कि आप जानते थे, 15 सेकंड जब टाइम मिलता था तो कई सारे बच्चे कहते थे सर 15 सेकंड टाइम बहुत ज्यादा है, तो टाइम को थोड़ा सा कम करो। इसीलिए मैंने 20 सेकंड के बजाय 15 सेकंड कर दिया ताकि बिल्कुल आप रैपिड फायर में सवाल का जवाब दे सको। और बच्चों ये देखना, ये चैनल और ग्रुप मैं हमेशा कहता हूं कि सर आप ज्वाइन कर लो, यहां बिल्कुल बहुत फायदा आने वाला है। और आपके लिए मैं आपको अपना शेड्यूल शेयर कर दूंगा कि सर मेरी क्लास कितने बजे कहां कौन सी क्लास होंगी, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो क्या कौन सा शेड्यूल है ये देखो मेरे सामने, थोड़ा सा मैं साइड हो जाऊं ताकि आप समझ में आए आपको, कि 6:30 बजे जीके एक नजर वाई फाई स्टडी स्टूडियोज पे, फिर 9:30 बजे यूपी स्पेशल इसी चैनल पे जहां पे अभी आप जुड़े हो, 5 बजे रेलवे साइंस तो हम टॉपिक वाइज देखते हैं, और 7 बजे शाम को रोहित सर स्पेशल जो देखते हो कि 2025 क्वेश्चन से बिल्कुल अलग। अरे बात समझ में बच्चे दिख रहा है ना। और फिर मैं बात करूं एवरी डे MWF यानी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे रेलवे के लिए 5:35 अनअकैडमी पे फ्री लाइव क्लासेस। और अब मैंने DRDO का भी सोचा, कई सारे बच्चों के कमेंट्स आए सर DRDO का बोलते जा रहे हो, तो DRDO भी करेंगे हम लोग, लेकिन वो चलेगा TTS में, यानी ट्यूजडे थर्सडे और सैटरडे। तो आप ये देखना बच्चे है ये फ्री, बिल्कुल फ्री, ये बिल्कुल फ्री है DRDO, ये बिल्कुल फ्री है रेलवे 5:35 पे अनअकैडमी पे, और 10:05 में SSC GK चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। जैसे अभी हिस्ट्री की श्रृंखला चल रही है यहाँ, जहां मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन और महाजनपद रिलीजन कराया है, और ये मेन चैनल वाई फाई स्टडी पे रेलवे NTPC GK। तो इतने क्लास मिलते हैं आपको, इतने क्लास मिलते हैं आपको। बात समझ में आ गया क्लास के शेड्यूल? अगर क्लास का शेड्यूल समझ में आया है तो जरा लाइक ठोक देना सर बिल्कुल क्लास का शेड्यूल समझ में आ गया है। क्योंकि 5:35 और 10:05 ये दोनों अनअकैडमी पे फ्री लाइव क्लासेस जो चल रहा है, स्पेशल क्लासेस है, ये बिल्कुल याद रखना। 5:35 पे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को हम रेलवे देखेंगे, और ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे को DRDO देखेंगे, ठीक है? आगे बातें समझे बच्चे। और विशेष इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो GS by Rohit Baba, यहां पर मैं सारा लिंक ये पूरा का पूरा मैं डाल दूंगा, ठीक है? चलिए अब चलते हैं अपने क्लास की ओर। तो ये 10 जुलाई से जो बैच शुरू हुआ था, आपको याद है कि कल यानी कल से ही बैच शुरू हुआ था SSC CGL को लेकर, टारगेट करते हुए CHSL को टारगेट करते हुए पॉलिटी की। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो बिल्कुल ज्वाइन करिए, बहुत मजा आने वाला है। यहां पर आप डेप्थ पढ़िए और फिर फ्री क्लासेस में प्रैक्टिस करिए, इसके बाद सोच रहे नहीं आपकी तैयारी जबरदस्त शानदार जबरदस्त जिंदाबाद हो जाएंगी, ठीक है? सवाल नंबर 1 चलते हैं क्या होगा। कहता है सर ये रहा टाइमर आपके सामने, जल्दी बताओ क्या होगा ये टाइमर आपके लिए 20 सेकंड। लेट्स क्रैक इट। व्हाट हैपेंड पुस्तक के लेखक कौन है? अगर मैं लेखक बात करूं, व्हाट हैपेंड पुस्तक के लेखक कौन है, सिमोन पेरेस, शशि थरूर, जिंद जियांद्रेज या फिर हिलरी क्लिंटन? तो भाई साहब हिलरी क्लिंटन ने व्हाट हैपेंड पुस्तक लिखा है। जब भी सवाल देखना बिल्कुल याद रखो कि हिलरी क्लिंटन कहती है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, हिलरी क्लिंटन कहती है व्हाट हैपेंड। याद रखने का तरीका ऐसे ही है, कैसे याद रखेंगे कि हिलरी क्लिंटन ने कहा व्हाट हैपेंड। सवाल नंबर 2 चलिए कैसे याद रखेंगे व्हाट हैपेंड, किसने कहा, हिलरी क्लिंटन ने कहा। LCD प्रोजेक्टर का आविष्कार किसने किया? अब जरा बताओ LCD प्रोजेक्टर का आविष्कार किसने किया, LCD का फुल फॉर्म जरा बताइए।
एलसीडी का फुल फॉर्म बताइए, एलसीडी प्रोजेक्टर की बात करें तो सर किसने किया था ये? जीन डॉलगोफ ने, जीन डॉलगोफ ने एलसीडी प्रोजेक्टर का आविष्कार किया था। किसने किया था? किसका जवाब दिखा अभी तक? रूबी का जवाब दिखा, क्वीन, स्वीटी, रूपाली, टिंकू, क्या बात है, सरवन, भाई अलबरूनी भी आ गया क्या? भाई जरा बता दो अलबरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, अलबरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, जल्दी जल्दी क्विक, एलसीडी का फुल फॉर्म बताओ, एलसीडी का फुल फॉर्म, एलसीडी का फुल फॉर्म, गजेंद्र रजावत, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, बहुत बढ़िया, सुदीप्ता पॉल, तापस साहू, अभिषेक, क्या बात है। अच्छा छत्तीसगढ़ के सीएम भी जुड़ गए भाई साहब, छत्तीसगढ़ के गवर्नर भी है क्या, जरा बताना, छत्तीसगढ़ के सीएम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, छत्तीसगढ़ के गवर्नर भी जुड़े हैं क्या, जल्दी, रेहला, अच्छा इब्न बतूता भी आ गया, देखो अलबरूनी भी है, इब्न बतूता भी है, सीएम ऑफ छत्तीसगढ़ है, यानी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पूरी हिस्ट्री आपके सामने साथ में पढ़ाई कर रही है, क्या बात है। तो सर कहता है कि कौन सही जोड़ी का चयन करें, एथलीट फुट की बात करेंगे तो आपको पता है ये फंगस से होता है, कवक से होता है, एथलीट फुट कवक से। अब आपके लिए होमवर्क है, ये होमवर्क क्या है कि सर ये किससे होगा, ये किससे होगा, ये किससे होगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैं बताता लेकिन आज केवल रैपिड फायर है, 100 सवाल बिना एक्सप्लेनेशन के, तो आज कोई एक्सप्लेनेशन की उम्मीद मत करना, आपको ना समझ में आए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसकी पिक लेना, स्क्रीनशॉट लेना, टेलीग्राम चैनल पे डालना, या फिर हमें मैसेज करना टेलीग्राम पे या वीडियो के नीचे क्लिक करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी, सोचो, इब्न बतूता, पहन के जूता, सब कोई आया है, सोने की बीमारी, प्रोटोजोआ, बिल्कुल बहुत बढ़िया, नीरज वैद्य देख रहे हो, सब कोई आया है, टोटल हमें लग रहा है अकबर बाबर भी है क्या, देख लो तो, सर पीएमओ इंडिया भी है, प्रशांत मिश्रा जी कह रहे हैं, क्या बात है, भूपेश बघेल भी है, क्या बात है यार, पूरी पूरी कैबिनेट बैठी हुई है, मुझे भी शामिल कर लो किसी में, मैं भी मंत्रिमंडल का हिस्सा बन जाऊं। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल अणुओं को कार्बनिक यौगिक के टूटने की प्रक्रिया को हम जानते हैं फर्मेंटेशन, क्या कहेंगे, फर्मेंटेशन, किण्वन, क्या कहेंगे बच्चे, किण्वन कहेंगे, फर्मेंटेशन कहेंगे, सवाल नंबर 5। ये सवाल मैंने परसों पढ़ाया था, ये सवाल मैंने परसों पढ़ाया था, बिल्कुल सही जवाब बताना, ये सवाल मैंने परसों पढ़ाया था, याद करिए, पढ़ाया था ना, ये सवाल मैंने परसों पढ़ाया था। कहता है एक हवा का बुलबुला पानी में किसकी तरह कार्य करता है, हवा का बुलबुला पानी में किस प्रकार कार्य करेगा, तो कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कनकेव मिरर, कनकेव लेंस, क्या होगा, कनकेव लेंस इज राइट, कनकेव लेंस इज राइट, याद करिए, परसों पढ़ाया था ना मैंने, परसों पढ़ाया था ना मैंने, बिल्कुल याद करिए भाई, ढोंगी बाबा भी है, बढ़िया है, सब कोई मेरे साथ जुड़ गए, क्या बात है, रेल मिनिस्टर भी हैं, सही है। अरे मैं बताऊं मजेदार मजेदार चीज, आज मैं प्लस पढ़ा रहा था 10 से 11 अनकेडमी पे, यूपी कांस्टेबल को लेके, एसआई को लेके, एक बच्चा जुड़ा, एक बच्चे का नाम क्या था पता है, एक बच्चे ने अपना नाम रखा था, देखो पहले इसका पढ़ लो फिर मैं बताता हूं, एक बच्चे ने नाम रखा विकास दुबे कानपुर वाले, विकास दुबे कानपुर वाले, और उसमें विकास दुबे का फोटो भी लगा रखा है, सोचो कैसे कैसे लड़के हैं, कैसे कैसे बच्चे हैं, सोचो। तो सर द लाइट विथ द शॉर्टेस्ट रिफ्रेक्टिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, सबसे कम अपवर्तनांक वाला प्रकाश कौन सा है, बैंगनी है, वायलेट है, कौन सा है, बैंगनी है, वायलेट है, बिल्कुल याद रखना। सवाल नंबर 7 चलिए, सोचो ऐसे ऐसे नाम रखा है बच्चे ने, क्या कहूं क्या बताऊं, भारत में अब्रक का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य सर, पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा झारखंड, आराम से पढ़ना, गलती मत करना,
गलती मत करना, बिल्कुल झारखंड की तरफ मत ध्यान देना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश है, दूसरे नंबर पे राजस्थान है, तीसरे पे झारखंड है। ये रिसेंटली डेटा, कई सारे बच्चे इस जवाब पर उंगली उठाएंगे, उसको मैं बता दूं कि आंध्र प्रदेश नंबर वन, राजस्थान नंबर दो, झारखंड नंबर तीन। सवाल नंबर आठ, जल्दी कितने लोगों का चालान कट गया जरा दिखाना इमोजी। सर हाउ टू ज्वाइन एन अकेडमी प्लस कोर्स, सुजीत घोष अभी क्लास के एंडिंग में मैं अपना नंबर शेयर करूंगा, व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे पर्सनली मैसेज करना, मैं बिल्कुल गाइड कर दूंगा। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष के समाप्ति पर किया जाता है, याद करिए। अभी 15वां वित्त आयोग है, एनके सिंह पहले वित्त आयोग कैसे नियोगी। सवाल नंबर 9, जल्दी क्या बोल, क्या बात है हितेश, मारो प्यारो राजस्थान, बिल्कुल कोशिश करेंगे एक घंटे में 100 सवाल को निकालने। जल्दी चलो, जल्दी जल्दी, जितना जल्दी आप जवाब दे सको। राष्ट्रपति किसी राज्य के किसके एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर 356 के तहत आपातकाल की घोषणा करेगा, तो सर गवर्नर रिपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे? गवर्नर रिपोर्ट करेंगे, राज्यपाल रिपोर्ट करेगा, तब जाकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा। क्या कौन करेगा? गवर्नर इज राइट। कौन करेगा? गवर्नर इज राइट। हां परी जी, आज मेरी क्लास हुई थी अनअकैडमी पे 3 से 4, सवाल नंबर 10, आज मेरी क्लास हुई थी स्टेट इमरजेंसी। बिल्कुल बच्चे, तीन इमरजेंसी होता है ना, देखो निमी जी 352, 356, 360, तो 56 स्टेट इमरजेंसी, 52 क्या होगा नेशनल इमरजेंसी, 60 की बात करेंगे तो फाइनेंशियल इमरजेंसी, तीन इमरजेंसी है। प्रधानमंत्री और भारतीय संघ के अन्य मंत्रियों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। 72 हो गया, राष्ट्रपति क्या करेंगे भैया? माफीनामा देंगे। 76 अटॉर्नी जनरल, 76 अटॉर्नी जनरल। 79 की बात करें तो 79 से संसद का प्रावधान है, संसद का प्रावधान है। तो कैसे याद रखें? सरला को याद रखना। कौन है सरला? सरला 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81, यानी सरला। सवाल नंबर 11, जल्दी सवाल नंबर 11 बताओ। सीएम ऑफ छत्तीसगढ़, डेडमैन, विशाल, हर्षित, राधे राधे, रानी, सरोज, दिव्या, संजय मीना, मोनिका, सबके जवाब बिल्कुल सही हैं। कहता सर उस सिख गुरु का नाम बताइए जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि का विकसित किया था, गुरु अंगद। कौन है? गुरु अंगद। अब जरा आप बताना कमेंट बॉक्स में गुरु अंगद की संख्या कितनी है, गुरु अंगद कितने नंबर के गुरु हैं, गुरु अंगद कितने नंबर के गुरु हैं, जल्दी। कट गया चालान, गलती कर बैठे, करा बैठे गलती, मिल गई संतुष्टि, मिल गया दिल को तसल्ली। इतनी बार पढ़ाते हैं, रिवीजन करते नहीं हो। एक काम करना, रोहित सर आपके लिए रिवीजन करेंगे, क्या बोलते हो? अगर आपको लगता है सर बिल्कुल आप रिवीजन करें, जरा थंब दिखाना। भाई साहब पेय को थोड़े समय के लिए समान तापमान पर रखने के लिए थर्मस बोतल की दीवारों को किसकी लेपित करते हैं? सिल्वर लेयर है। क्या होगा ये? सिल्वर लेयर है। क्या होगा? सिल्वर परत होगा, लीड पाउडर नहीं होगा क्या? अरे भाई सिल्वर परत होगा, सिल्वर लेयर होगा। हाँ विशाल लहना के नाम से जानते थे, बिल्कुल। सवाल नंबर 13, क्या बात है, ऐसे ही तो जवाब चाहिए मुझे। क्यों सिल्वर लेयर होगा? सर वो कंडक्टर बिट, गुड कंडक्टर है वो। क्यों होगा? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
जब एक गिलास पानी में तैरता बर्फ का टुकड़ा पिघल जाता है तो पानी का स्तर क्या होगा? समान रहेगा। क्या होगा? समान रहेगा, रिमेन सेम रहेगा। जब शुरुआत में पढ़ते थे तब सोचते थे यार क्यों समान रहेगा, बर्फ पिघलेगा तो बाहर निकलेगा ना, लेकिन क्या होगा? रिमेन्स सेम, समान रहेगा। अच्छा जरा बताना, बर्फ का कितना हिस्सा पानी पर तैरता रहता है? बर्फ का कितना हिस्सा पानी पर तैरता रहता है? जल्दी, क्या 1/10 है, 1/10 भाग? बर्फ का कितना हिस्सा पानी पर तैरता है? बर्फ का कितना हिस्सा पानी पर तैरता है? अगर आपको लगता है 1/10 भाग है तो जरा सा थंब दिखाना। सवाल नंबर 14, बिल्कुल आसान सवाल, उम्मीद करेंगे 100% जवाब देने का। कहता सर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहेंगे? दादा भाई नौरोजी के कहेंगे। क्यों? और पहले पारसी अध्यक्ष है कांग्रेस के, पहले पारसी अध्यक्ष है कांग्रेस के। चलो सवाल नंबर 15, बिल्कुल 1/10 इज राइट, 1/10 इज राइट। क्या होगा? 1/10 बिल्कुल सही। अपने दादाजी को मत बोल देना ग्रैंड ओल्ड मैन, दादा भाई नौरोजी। दादाजी को बोलोगे दादा कहेंगे भैया हमें पुराने आदमी बोलते हो, तो दादाजी को मत बोलना अपना दादा भाई नौरोजी। कहता है सर इरडा भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यालय कहां है? हैदराबाद में है। अब जरा बताओ सिडबी का कहां है? अब जरा बताओ कमेंट बॉक्स में सिडबी का मुख्यालय कहां है? जल्दी, सिडबी का मुख्यालय कहां है? सवाल नंबर 16, चलिए सोचो कितने बार मैंने पढ़ा है फिर भी गलती कर बैठे आप। कहता है सर कौन महिला या किस महिला गोल्फर ने लेडीज यूरोपियन टूर खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बन गई है? दीक्षा डागर, वानी कपूर, अमनदीप ड्रॉल या अदिति अशोक? तो दीक्षा डागर पहली महिला गोल्फर है जो लेडीज यूरोपियन टूर खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बन गई है। सवाल नंबर 17, भाई साहब करंट अफेयर्स लखनऊ, बहुत बढ़िया, सिडबी का मुख्यालय लखनऊ, बहुत सही, सिडबी का मुख्यालय लखनऊ, क्या बात है। सब क्विज क्विज खेलते रहना, जवाब मत देना। कौन स्वतंत्र भारत के पहले सेना अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया था? सैम मानेकशॉ, गोपाल गुरुनाथ बेवूर, ओम प्रकाश मल्होत्रा या तपेश्वर नारायण रैना? तो क्या होगा? सैम मानेकशॉ पहले हैं जो फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किए गए हैं। कौन? सैम मानेकशॉ पहले फील्ड मार्शल हैं, याद रहेगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट मींस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव से क्या आशा है? सवाल नंबर 18, जल्दी सैम मानेकशॉ, क्या बात है। अच्छा बताना बच्चों सैम मानेकशॉ किस राज्य से हैं? सैम मानेकशॉ किस राज्य से हैं? जल्दी, ग्रीन हाउस गैस से क्या फर्क पड़ता है? सर पृथ्वी की ऊपरी सतह द्वारा सूर्य ऊर्जा को कैद कर लिया जाता है, वही है ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्यों? क्योंकि जो वायुमंडल में एक कोई ऐसा बिंदु होगा, कोई ऐसा जगह होगा जहां पर गैसों की भरमार होगी, जो क्या करेगा? सूर्य ऊर्जा को, यूवी को क्या करेगा? कैद करेगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आई बात समझ में? जिसके लिए जिम्मेदार क्या है? ऊपरी सतह द्वारा सूर्य ऊर्जा को कैद कर लिया जाता है। केवल CO2 कैसे मानोगे? केवल CO2 तो है नहीं ग्रीन हाउस में, CO2 तो है नहीं जो आप CO2 लगाओगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, अगर होता, क्योंकि सूर्य ऊर्जा को कैद करता है ये। सवाल नंबर 19, जल्दी,
ना समझ में आए तो स्क्रीनशॉट लेके बिल्कुल मुझे भेजना, फिर से मैं किसी क्लास में से समझा दूंगा। निमिकिट टू आप मुझे भेज देना टेलीग्राम पे, मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको, ठीक है। श्वेत रुधिर कणिकाएं की बात करें तो ये अक्सर संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरक्षा के रूप में काम करती है। डब्ल्यूबीसी जो कहते हैं ना, सर उसका डब्ल्यूबीसी कमजोर है, यानी उसका डब्ल्यूबीसी कमजोर है। डब्ल्यूबीसी काम क्या है? ये फाइटर का काम करता है, फाइटर का काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 जल्दी। जल्दी बताओ जल्दी क्वेश्चन नंबर 20। बताओ हमारी आवाज पहुंच रही है? बफर हो रहा है, ठीक हो गया? अब ठीक हो गया कि बफर हो रहा है, जरा बताना। क्लियर है? चलो, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो धूपगढ़ है। क्लियर है बच्चे? चलो सवाल नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है? जल्दी प्राकृतिक फाइबर नहीं है। ऑल ऑफ दीज, एक मिनट रुकना। कौन एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है भैया? सारा रुको। क्या होगा? नन, यानी सारे के सारे क्या है? प्राकृतिक फाइबर हैं। चाहे जूट की बात करें, चाहे फ्लैक्स की बात करें, चाहे वूल की बात करें, और सबके सब क्या है? नेचुरल फाइबर हैं। सबके सब नेचुरल फाइबर है। बिल्कुल सही। अरे सन मतलब समझते हो, जिससे हम बोरी बनाते हैं। क्या होगा? नन यानी कोई नहीं। जल्दी सवाल नंबर 22 जल्दी। क्या कहता है सर? कहता है भैया समझ लो कि किस भारतीय दीपक पुनिया। सवाल नंबर 23 जल्दी। चलो बताओ क्या होगा? कौन सी आवृत्ति मानव कान के लिए श्रव्य नहीं है? यानी सर 20,000 से ऊपर हम सुन सकते हैं क्या? नहीं सुन सकते। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। सवाल नंबर 24 जल्दी बताओ। कहता है अंतःस्राव ग्रंथियां जो अपने स्रावों को रक्त में डालती है, क्या होगा? जल्दी क्या होगा? बोथ होगा, डक्ट होगा, ब्लड होगा, जल्दी बताओ। क्या होगा? बिल्कुल बोथ हो जाएगा, ठीक है बच्चे।
बोथ होगा, क्या होगा, डक्ट भी होगा और बोथ भी होगा, क्योंकि सर एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करेंगे तो डक्ट के जरिए ये पूरे बॉडी पार्ट में ट्रेवल करेगा, ठीक है। चलो सवाल नंबर 25, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कहां नहीं किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग हम कहां नहीं करते हैं, पानी को मीठा करने के लिए, सीमेंट का निर्माण, डिटर्जेंट, कांच का निर्माण। सवाल नंबर 25, जल्दी 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 जल्दी। सर सोडियम कार्बोनेट का हम कहां यूज नहीं करते हैं, पानी को मीठा करने के लिए कर सकते हैं, डिटर्जेंट में करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ग्लास में करते हैं, सीमेंट का निर्माण में नहीं होता, बिल्कुल याद रखना। सवाल नंबर 26, चलिए सारे तुक्के लगते हैं। सारे तुक्के लगाओ, यही तो पता चल जाता है आज के दिन के कितने तुक्के लगते हैं आपसे। कहता है सर फांसी पर चढ़ने से पहले जिसने भारत को फिर से संगठित होने तक अपने राग को बरकरार रखने की इच्छा व्यक्त की थी और कहा कि पुनर्मिलन प्राप्त होने के बाद उन्हें सिंधु में फेंक दिया जाए नाथूराम गोडसे, क्यों, क्योंकि भारत और पाकिस्तान जब अलग हुआ था उसी के बाद नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी थी 30 जनवरी 1948 को। चलिए सर सवाल नंबर 27, खूब गलती भालो, इतने गलती करो कि संतुष्टि मिल जाए। निम्नलिखित में से किस गतिविधि को गोल्ड कॉलर पेशा कहा जाता है, माध्यमिक, चतुर्धातुक, प्राथमिक या क्विंड्री। तो गोल्ड कॉलर पेशा सर हम क्विंड्री कहते हैं, और मैं बताऊं कि क्विंड्री मतलब हो गया जितने भी सर्विस सेक्टर हैं कहां आएगा, क्विंड्री में। आई बात समझ में, जितने भी सर्विस सेक्टर हैं सब किस में आएगा, क्विंड्री में आएगा। तो गोल्ड कॉलर की बात करें यानी जितने भी, चाहे साइंटिस्ट की बात करें चाहे इंजीनियर की बात करें, ये सब किस में आएगा, क्विंड्री में आएगा। तो कहते हैं समान गतिविधियों को अक्सर गोल्ड कॉलर व्यवसायों के रूप में कहते हैं, जो थर्ड यानी टेरिटरी सेक्टर की बात करें तृतीय क्षेत्र के उपखंड का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें कौन कौन आएंगे, वैज्ञानिक, वित्तीय फाइनेंसर, कानूनी सलाहकार या कहें वकील इत्यादि। सवाल नंबर 28, फीफा विश्व कप मैच में सबसे तेज गोल यानी कितने सेकंड में, 11वें सेकंड में स्कोर करने का रिकॉर्ड किसके पास है, मात्र 11 सेकंड। सोचो 20 सेकंड में दे रहा हूं आपको, फिर भी सवाल नहीं बन रहे हैं और 11 सेकंड में इसने गोल कर दिया, हकन सुकूर। कौन है, हकन सुकूर। तो फीफा विश्व कप के इतिहास का अब तक का सबसे तेज गोल टर्की के हकन सुकर ने 2002 में किसके खिलाफ, साउथ कोरिया के खिलाफ, महज 11 सेकंड में किया था। सवाल नंबर 29, चलिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहां है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहां, लखनऊ में है। कहां है बच्चे, लखनऊ में है। 30 दिसंबर 1924 की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 30, जल्दी। अरे यार काहे पास करने के चक्कर में हो, ऐसा पढ़ लो, मुझे पता है आप बहुत ब्रिलियंट हैं लेकिन कम से कम जवाब तो दे दो। फास्ट करो सर, आप स्पिन हो जाओगी, फिर समझ नहीं आएगा, आप स्पिन हो जाएंगी। तो स्पिन होना चाहती है तो हो जाओ स्पिन।
कहता है सर किस भारतीय को चिरेटा वेंचर्स के पैट्रिक जे मैकवर्न लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया, रतन टाटा को। किसने, किसे रतन टाटा को सम्मानित किया गया है, सवाल नंबर 31। जल्दी करदांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो करदांग मठ की बात करेंगे तो सर ये हिमाचल प्रदेश में है। जरा बताना ताबो मठ कहां है, ताबो मठ कहां है, जल्दी ताबो मठ किस राज्य में है, ताबो मठ किस राज्य में है, ताबो मठ किस राज्य में है, ताबो मठ की बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में, कहां हिमाचल प्रदेश में है, सवाल नंबर 32। तो बेटा 50 सवाल करके आप चले जाओ ना, आपको कौन कहता है कि आप 100 सवाल करो। सर कहता है भारत के संविधान में के अनुच्छेद 361 के अनुसार उनके कार्यकाल के दौरान डैश के खिलाफ एक अदालत में आपराधिक कार्रवाई स्थापित नहीं की जा सकती है, तो वो कौन है, गवर्नर के खिलाफ है। यानी जब तक गवर्नर अपने पद पर रहेंगे तब उनके खिलाफ एक आपराधिक कार्रवाई स्थगित स्थापित नहीं की जा सकती है, आर्टिकल नंबर 361 कहता है। कौन कहेगा, आर्टिकल 361 कहता है गवर्नर के खिलाफ। सवाल नंबर 33, सवाल नंबर 33, जल्दी। गवर्नर ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट इंडिया का नहीं, गवर्नर इंडिया का होता है क्या, नहीं नहीं गवर्नर इंडिया का होता है, जरा बता दो मुझे, सब तुक्केबाज हो गए हो एकदम। कहता सर कौन सही है, पहली बार लोकसभा का गठन कब हुआ था, 1952 में हुआ था, कब हुआ था, 1952 में, मई 1952 में पहली बार लोकसभा का गठन हुआ था, याद रखना पहली लोकसभा का गठन 1952 में हुआ है। सवाल नंबर 34, जल्दी। कहता है सर 2019 में कौन भारतीय लिस्ट ए और वनडे सहित 50-50 ओवर क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाला दुनिया का सबसे युवा बन गया है, यशस्वी जायसवाल। और इसकी कहानी बिल्कुल अजीब है भैया, इतने गरीब फैमिली से और ये तबेला में सोया, तबेला समझते हो ना जहां जानवर रहते हैं, तबेला में सोया है और अपनी प्रैक्टिस जारी रखी है, और ऐसा स्थिति कि आज इसे पूरा वर्ल्ड जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है। सवाल नंबर 35, सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, इन विच स्टेट इज द सरहुल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, जल्दी। सरहुल आदिवासियों का सबसे बड़ा त्योहार कहां मनाते हैं, झारखंड में, और आदिवासी की बात करें, एसटी की बात करें, सबसे ज्यादा संख्या कहां, मध्य प्रदेश में होगा, कहां, मध्य प्रदेश में होगा। सवाल नंबर 36, जल्दी। तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था, विंध्य शक्ति था, कौन था, विंध्य शक्ति था वाकाटक वंश का संस्थापक। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि वाकाटक वंश का शासन किस राज्य में था तीसरी शताब्दी में। सवाल नंबर 37, जल्दी।
पाकिस्तान के किस प्रांत में मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल स्थित है? सर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे, कौन? इंडस रिवर के किनारे। सवाल नंबर 38। सोचो बलूचिस्तान, सोचो कितने आसान सवाल आप गलती करते हो, कितने आसान सवाल गलती करते हो ये सोचना। किस वाद्य यंत्र के साथ संगीतकार सिक्कल माला चंद्रशेखर का संबंध है? फ्लूट यानी बांसुरी। किससे? बांसुरी से है। सवाल नंबर 39। चलिए जबकि इंडस वाले क्वेश्चन आपने कितनी बार पढ़े होंगे, सबकी अपनी कहानी। थोड़ा फास्ट करो सर, थोड़ा स्लो करो सर, सर कहां जाएं, क्या करें बताओ। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है, आर्टिकल नंबर क्या होगा? 312। क्यों? ऑल इंडिया सर्विसेस, ऑल इंडिया सर्विसेस, ऑल इंडिया सर्विसेस। 324 की बात करें इलेक्शन कमीशन, 280 की बात करें फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन। तो ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करता है सर भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस, ऑल इंडिया सर्विसेज। 312 क्या होगा? 312। सवाल नंबर 40। यूपीएससी की बात नहीं किया, यूपीएससी की बात करता तब आप 315 कहते, यहां ऑल इंडिया सर्विसेज की बात कर दिया। कहता सर अटल पेंशन योजना के तहत अनुमान्य मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी है? 1000 रुपया है। कितना? 1000 रुपया न्यूनतम मासिक माना गया है। सवाल नंबर 41। जल्दी कहा है कंफ्यूजन है राधे राधे, ऐसा नाम रखो ना जो कम से कम इस बहाने भगवान का भी नाम आ जाए, राम राम राधे राधे। तो कैसे रखता है भैया? विकास दुबे गया वाले ताल बरूनी, तो ये वो क्या बात है, बाप रे बाप बताओ। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद सर महाराष्ट्र होगा, क्या होगा? महाराष्ट्र इज राइट। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, जल्दी जल्दी जल्दी। चौधरी साहब बिल्कुल सही, 1000 मिनिमम 5000 मैक्सिमम, याद रखना। भारत का कौन सा ब्रिटिश वायसराय 1884 में लागू किए गए इल्बर्ट बिल से जुड़ा था? तो यह समझना पड़ेगा कि इल्बर्ट बिल बात की बात करता है तो सर 1881 में जब पहली बार जनगणना की गई, 10 वर्षीय जनगणना नियमित रूप से, कौन था? रिपन था। कौन था? रिपन था। तो जाहिर से बात है कौन होगा? रिपन होगा। डफरिन कैसे कहेंगे? 1885 में कांग्रेस का संस्थापना होता डफरिन में, यानी लॉर्ड रिपन के समय। कौन? लॉर्ड रिपन के समय में, ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय में, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। सवाल नंबर 43, जल्दी। बिल्कुल बच्चे क्लास पीडीएफ मिल जाएगा आपको, परेशान होने की जरूरत कतई ना है। प्रसिद्ध नर्तक टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रतिपादक थे? तो क्या होगा सर? प्रसिद्ध नर्तक टी बाला सरस्वती की बात करें तो ये भारतनाट्यम से हैं। कौन है? भारतनाट्यम से हैं, बिल्कुल याद रखना। सवाल नंबर नेक्स्ट की बात करें, 44, जल्दी। जितने सारे बच्चे जुड़े हैं जरा मेरा नाम ले लो, जैसे दिनेश पटेल कहता है सर मेरा नाम ले लो, तो दिनेश पटेल अपना नाम बदलिए और अपना नाम रख दो हनुमान, उससे क्या होगा सारे लोग नाम लेंगे, कम से कम उस बहाने भगवान का नाम लिया जाएगा। आरटीजीएस की बात करें, आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होगा? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। जो हम सर कितने पैसे, कितने राशि हम भेज सकते हैं? 2 लाख रुपया। कितना? 2 लाख रुपया, याद रखना 2 लाख रुपया, ठीक है। सवाल नंबर 45, जल्दी।
क्या हो गया? फिजी किस महासागर में स्थित है? तो फिजी की बात करें प्रशांत महासागर में है, फिजी की बात करें तो प्रशांत महासागर में स्थित है, बिल्कुल याद रखना प्रशांत महासागर में लोकेट है ये, कहां? प्रशांत महासागर में। सवाल नंबर 46 जल्दी। क्या बोलते हो आप लोग कि दिनेश पटेल का नाम चेंज करवा दें? अगर आप लोग बोलते हो तो बोलो अपना नाम रख ले वो हनुमान, नहीं इसके बाद हर कोई उसका नाम लेंगे। अगर आप लोग इत्तेफाक रखते हो तो बोलो जरा अपना नाम चेंज कर ले वो। प्रिय रंजन, जनगणना की बात करेंगे मेयो के समय में पहली बार, लेकिन रिपन के समय में 10 वर्ष, ये दोनों सही है आपके। अब सवाल क्या है जरा कमेंट बॉक्स में बताना। अनिल कुमार मणि भाई नाइक तो कहता 2019 के लिए ट्रेंड एंड इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर श्रेणी के तहत पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो अनिल कुमार मणि भाई नाइक, ठीक है। सवाल नंबर 47 जल्दी। नहीं नहीं तो नाम नहीं, अपना नाम चेंज करो तभी तो लेंगे। तो फिर आज के बाद मत बोलना कि मेरा नाम ले लो। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सरकार के मुख्य अंगों में से नहीं है? सर विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, ब्यूरोक्रेसी नहीं है, नौकरशाही नहीं है, ठीक है। सवाल नंबर 48 जल्दी। अरे फास्ट करो, थोड़ा सा फास्ट जवाब दो जल्दी, तभी तो मैं चलूं। आप लोग जवाब ही नहीं देते, कितना तेज चलें बताओ। जितना तेज भागोगे मैं उतना तेज भागूंगा। किस नदी का उद्गम महाबलेश्वर में हुआ है? तो कृष्णा नदी। किसका? कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर में हुआ है। नर्मदा की बात करेंगे अमरकंटक, ताप्ती की बात करेंगे बैतूल डिस्ट्रिक्ट। अरे बस समझ में। चलिए सवाल नंबर 49 जल्दी। फतवा आलमगिरी मुस्लिम कानूनों का एक पाचन कहें, डाइजेस्ट है, ग्रंथ कह दे भैया, क्या करोगे पाचन लिखते हो, ग्रंथ। निम्नलिखित शासकों में से किस काल में लिखा गया था? तो औरंगजेब के समय में फतवा आलमगिरी लिखा गया था। क्यों? औरंगजेब का टाइटल क्या था? आलमगीर। औरंगजेब ने क्या टाइटल लिया था? आलमगीर की उपाधि ली थी औरंगजेब ने, बिल्कुल याद रखना। अरे ऐसे निकालो ना, फतवा आलमगिरी, आलमगिर किसका टाइटल था? औरंगजेब का था, तो क्या होगा? औरंगजेब इज राइट, औरंगजेब इज राइट। सवाल नंबर 50 चलिए। अब मुझे आपका स्कोर चाहिए, जैसे ये सवाल खत्म होगा आप अपने अपने मार्क्स बताना कि कितने सही किए हो, तुक्काबाजी नहीं, बिल्कुल ओरिजिनल वाले। इसलिए कहते हैं कॉपी लेकर बैठने के लिए, लेकिन बताओगे ही नहीं। मुझे पता है बताओगे नहीं, सही सही नहीं बताओगे। सांप्रदायिक पंचांग 1932 की बात करेंगे सर जेम्स, सर जेम्स जेम्स रामसे मैकडोनल्ड और बाबा साहब के बीच में किया गया था सांप्रदायिक पंचांग 1932 में। इसके बाद होता है पुणे पैक्ट, इसके बाद हमें पुणे पैक्ट देखने को मिलता है, पुणे पैक्ट देखने को मिलता है। तो ये हमारा शेड्यूल है, जरा मार्क्स शेयर करो अपना, कितने मार्क्स आए 50 में, फिर मैं चलता हूं 50 के अलग। तो ये हमारा शेड्यूल बिल्कुल याद रखना, 5:35 पे अनअकैडमी पे, 10:05 पे अनअकैडमी पे, बिल्कुल फ्री। और फिर हमारे साथ ये पूरा शेड्यूल का शेड्यूल, पूरा का शेड्यूल स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, जरा सा पूरा शेड्यूल जो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको पता चल जाए, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि पता चल जाए बिल्कुल, ठीक है, कि हमारी क्लास कितने बजे है। सवाल नंबर 51 जल्दी। सवाल नंबर 51 क्या होगा? कहता है सर 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि में निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म निर्धारित है? जल्दी सवाल नंबर 51 की बात करें तो भारत चीन जो 1962 में युद्ध हुआ था, तो कौन सी फिल्म बनाई गई है? सर कौन सा फिल्म है? हकीकत है। कौन सा है फिल्म? हकीकत, याद रखना। कौन सी फिल्म है? हकीकत।
कौन सी फिल्म है? हकीकत इज राइट, ठीक है। आगे देखो 52, लिपाक्षी स्थित मंदिर अपने लटकते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है, तो वो और विजयनगर शैली में निर्मित है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? सवाल नंबर 52, जल्दी। मैंने ब्रेक दिया, बच्चे चल गए, क्या बात है। लिपाक्षी स्थित मंदिर अपने लटकते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है और विजयनगर शैली में निर्मित है, जिसे सर वीरभद्र मंदिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वीरभद्र मंदिर कहा जाता है। सवाल नंबर 53, जल्दी। जय जगन्नाथ बच्चे। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का पीएच मान सबसे कम है? सबसे कम पीएच मान किसका होगा? सिरका का होगा। किसका? सिरका का, ठीक है। मैंने पूरा लिस्ट दिया था, याद करो, शाम 5 बजे वाली क्लास में पूरी लिस्ट आपको दी थी, तो रिवीजन करना, बिल्कुल ये मजा आएगा, ठीक है, बिल्कुल याद रहेगा तभी तो मजा आएगा। सवाल नंबर 54, जल्दी। सूर्य की विकिरण अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी के वायुमंडल तक पहुंचने से रोकता है। बिल्कुल आसान सवाल, कई बार बताया जा चुका है, ऐसे सवाल तो कतई गलती ना करोगे। ओजोन जो कहां? समताप मंडल में मौजूद है 90% समताप मंडल में मौजूद है 90%। सवाल नंबर 55, जल्दी। कहता है सर 2019 के आम चुनाव के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल एनडीए का हिस्सा था? तो क्या होगा? एनडीए का हिस्सा लोक जनशक्ति पार्टी। क्या होगा? लोक जनशक्ति पार्टी इज राइट। जबकि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से ममता बनर्जी, भाई साहब बीजेपी से 36 का आंकड़ा, डीएमके इससे इसका भी बीजेपी से 36 का आंकड़ा, आरजेडी इसका भी बीजेपी से 36 का आंकड़ा। तो क्या होगा? लोक जनशक्ति पार्टी, जो रामविलास पासवान की पार्टी है, वो एनडीए का हिस्सा था, अब जरा कमेंट बॉक्स में बताना कि रामविलास पासवान का संसदीय क्षेत्र कौन सा है, जल्दी रामविलास पासवान का संसदीय क्षेत्र कौन सा है, जल्दी। सवाल नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है? 56 नंबर, बताओ क्या होगा। कौन संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है? बच्चे जापानी नहीं है। तो कौन कौन है? फ्रेश आचार हैं, यानी फ्रेंच, स्पैनिश, अरबी, इंग्लिश, चाइनीज, रशियन, ठीक है। राज्यसभा सांसद हैं बिहार से, याद रखना। राज भाई हाजीपुर वाले अभी भी जवाब बदल लो, हाजीपुर से उनका बेटा है, वो नहीं है, वो राज्यसभा सांसद हैं। सवाल नंबर 57, राजवाड़ा महल कहां स्थित है? राजवाड़ा महल की बात करेंगे, सांस्कृतिक विरासत परियोजना जो इंदौर में है, कहां पे है ये? इंदौर में है, याद रखना, कहां पे? इंदौर में। सवाल नंबर 58, सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान कहां है? कटक, हजारीबाग, पटना या कोलकाता? सवाल नंबर 58, हाँ मोनिका जी, राज्यसभा सांसद है, आपने भी हाजीपुर बताया था एक बार।
सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान कहां? कटक उड़ीसा में। कहां पे है? कटक उड़ीसा में है, याद रखना, कटक उड़ीसा में, याद रखना। सवाल नंबर 59, भानु सिंह किस प्रसिद्ध लेखक का कलम नाम था? भानु सिंह किस प्रसिद्ध लेखक का कलम नाम था? रविंद्रनाथ टैगोर का नाम था। रविंद्रनाथ टैगोर का प्रसिद्ध कलम नाम भानु सिंह था। देखो नया सवाल मिलेगा आपको, भानु सिंह था, याद रखना, किसका? भानु सिंह। सवाल नंबर 60, चलिए क्या बात है, आर एन टैगोर, कई बच्चों का जवाब सही है। देखो निमी किट्टू, क्या बात है। आराध्या, बिल्कुल सही। कहता है सर, एक कप्तान के रूप में टेस्ट मैच की पारी में सर्वाधिक 150 रन से अधिक रन बनाने वाले का रिकॉर्ड कौन रखता है? हमारे विराट कोहली, यानी जो टेस्ट कैप्टन है, विराट कोहली इज राइट, विराट कोहली इज राइट। सवाल नंबर 61, डब्ल्यूटीओ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1952, 1942, 1947, 1995, जल्दी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? सर 1995 में की गई थी। कब? 1995 में की गई थी। सवाल नंबर 62, जल्दी। रिंकी सिंह नाम ले लिया आपका, ठीक है बच्चे। कहता है डेसिबल वह इकाई है जिसका उपयोग किसके मापने लिए करते हैं? तो सर करते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि की तीव्रता की। सवाल नंबर 63, जल्दी। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, आज आपका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बिल्कुल सीधा सवाल मारो, आगे बढ़ो। और याद रखना कल 6 बजे आपकी स्पेशल क्लास, बिल्कुल यही वाली क्लास अनअकैडमी पे चलेगी, और वहां आपको रैंकिंग दिखेगा, इसलिए वहां जुड़ना जरूर, वहां आपको रैंकिंग दिखेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ना, वहां पर मैं क्लास के 1 घंटे पहले लिंक शेयर करूंगा, ठीक है। तो अंतःस्राव ग्रंथि, हृदय किस हृदय के सबसे निकट है? थाइमस। कौन सा? थाइमस ग्रंथि हृदय के सबसे निकट है। सवाल नंबर 64, जल्दी, ठीक है। तो याद रखना कल इसी समय जो क्लास आपकी 6 से 8 कहां चलेगी? अनअकैडमी पे चलेगा। कहां चलेगा बच्चे? अनअकैडमी पे चलेगा, ठीक है, बिल्कुल याद रखना, अनअकैडमी पे 6 से 8, वहां पर आपको रैंकिंग दिखेगा। बोन कैंसर की बात करें, सर अस्थि कैंसर की बात करें, किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो सार्कोमा। क्या होगा? सार्कोमा, बोन कैंसर, ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर के अंतर्गत आएगा, ठीक है। सवाल नंबर 65, जल्दी। कहता असम में पोवा मक्का किसका मकबरा है? तो गयासुद्दीन औलिया का। किसका? पीर गयासुद्दीन औलिया का मकबरा असम में है। असम में पोवा मक्का में किसका मकबरा है? गयासुद्दीन औलिया का मकबरा है। तो किसका गयासुद्दीन? पीर गयासुद्दीन औलिया का मकबरा है, बिल्कुल याद रखना। सवाल नंबर 66, जल्दी। सब गलती कर लो आप लोग, सब गलती लगा लो, पढ़ना नहीं, रिवीजन मत करना, सब गलती करो। कहता निम्नलिखित में से अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कौन सा है? रुद्रप्रयाग। मैंने कई बार कहा कि सर ये पंच प्रयाग एक बार कर लोगे अच्छे से, भूलोगे नहीं, लेकिन काहे मानोगे आप लोग? पंच प्रयाग अच्छे से कर लोगे, भूलोगे नहीं, लेकिन काहे मानोगे, बार बार भूलते हो।
तो ये पंच पर्याग है जिसमें से कॉमन कौन सा है, कॉमन अलकनंदा कॉमन है, अलकनंदा कॉमन है जो कहां से निकलती है, बद्रीनाथ से, कहां से, बद्रीनाथ से। इसके बाद जो पंच पर्याग ये आपके सामने इमेज है ये बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। देव पर्याग क्या होगा, इलाहाबाद देव पर्याग की बात करेंगे तो सर गंगा और गंगा यानी भागीरथी और अलकनंदा देव पर्याग होगा। सवाल नंबर 67 जल्दी, क्योंकि प्रयाग वाला सवाल बिल्कुल आता है। अच्छा सवाल क्या था, रुको, सही तो है, भारत ने कितनी बार, भाई जो आप देव प्रयाग कह रहे हो, अरे मेरे लाल काले पीले ब्लू, देव प्रयाग में अलकनंदा प्लस भागीरथी होगा, अलकनंदा प्लस भागीरथी होगा, ठीक है। सवाल नंबर 68 जल्दी, प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म कहां हुआ है, तो प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की बात करें तो जन्म कहां हुआ है, इरोड में, कहां हुआ है, इरोड में हुआ है, बिल्कुल याद रखना, कहां पे, इरोड में हुआ है, ठीक है। सवाल नंबर 69 चलिए, कुंभकोणम, अच्छा लगता है चेन्नई एक्सप्रेस का असर पड़ गया है कुंभकोणम, इसीलिए बोल रहे हो, बिल्कुल। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके दरबार में नियुक्त था, बिंबिसार के दरबार में नियुक्त था, किसके दरबार में, बिंबिसार के दरबार में अपॉइंट था, नियुक्त था। सवाल नंबर 70 चलिए बताइए क्या होगा, जगन्नाथ मिश्रा डैश राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री बने थे, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, ओडिशा के, बिहार के, भाई चारा घोटाला में भी फंसे थे जगन्नाथ मिश्रा, भी चारा घोटाला में फंसे थे। और बता जगन्नाथ मिश्रा लालू यादव हेलीकॉप्टर से जाते थे चुनावी दौरा में और हेलीकॉप्टर को बोलते थे उड़न खटोला, क्या बोलते थे, उड़न खटोला, पूरा फेमस किए थे बिहार में उड़न खटोला के ये और लालू यादव जी, ठीक है। सवाल नंबर 71 स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, सवाल पढ़ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एकमात्र अध्यक्ष जो जीते भी और रिजाइन भी दिए सुभाष चंद्र बोस पटाभी सीतारामैया के विरोध में, तब जाकर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 72 NPCI का फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो अभी ऑनलाइन पेमेंट के लिए सबसे बड़ा गेटवे है, ठीक है। सवाल नंबर 73 जल्दी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सर मैक्सिमम राशि 10 लाख है, याद रखना, मिनिमम राशि 50,000 है, मिनिमम राशि 50,000 है, और 3 इसके अंतर्गत कौन कौन, तरुण है ना,
यही है तरुण। अरे बात समझ में, तो क्या होगा, मैक्सिमम 10 लाख है। सवाल नंबर 74, जल्दी। मुद्रा योजना मैंने कई बार पढ़ाया है फिर भी भूल गया। उम्मीद भी आपसे यही करते हैं, उम्मीद भी आपसे यही करते हैं कि भूलो और पढ़ो। कौन सा राज्य भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा। मध्य प्रदेश की बात करें तो सोयाबीन के प्रोडक्शन में नंबर वन, दाल के प्रोडक्शन में नंबर वन, और 2019-20 में गेहूं के प्रोडक्शन में नंबर वन, प्रोडक्शन में प्रोडक्टिविटी में नंबर वन। तो क्या होगा, मध्य प्रदेश इज राइट। सवाल नंबर 75। बेली के मोतियों को किस दौरान देखा जा सकता है? टोटल सोलर इक्लिप्स पूर्ण सूर्य ग्रहण में। देखो बेली की मोतियों यानी जो रिंग की भांति दिखता है, बिल्कुल थोड़ा सा ये वाले चीज को कहता है बेली की मोतियों, बेली की मोतियों। सवाल नंबर 76, यह भी सवाल मैंने पढ़ाया है परसों, यह भी सवाल मैंने पढ़ाया है परसों। आप देखो गलती करोगे फिर, गलती करोगे फिर मुझे पता, देखना अभी देखो। गाजर के नारंगी के रंग का कारण क्या है? कैरोटीन। गाजर के नारंगी रंग का कारण क्या है? कैरोटीन है। क्या है? कैरोटीन है, याद रखना। क्या है? कैरोटीन है। सवाल नंबर 77, चलो ये अच्छा लगा कि कम से कम इसका जवाब सही दिए 76 का, क्योंकि ये अच्छा लगा कि इसका जवाब आप लोग सही दिए 76 का, बहुत बढ़िया। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कूलाम्ब। इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई मात्रा क्या होगा? कूलाम्ब होगा, कूलाम्ब इज राइट। सवाल नंबर 78, जल्दी। भारत में स्वदेश निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र पहला कौन सा है? कल्पक्कम। सबसे पुराना तारापुर, लेकिन स्वदेश निर्मित की बात करता है खुद से, किसी बिना किसी के मदद से, तब कल्पक्कम होगा जो इंदिरा गांधी है। पढ़ना सवाल, तारापुर मत लगाना, यह सबसे पुराना तारापुर है बिल्कुल याद रखना, लेकिन अगर कहा स्वदेश निर्मित तो हम कल्पक्कम जाएंगे, इंदिरा गांधी जी का नाम है। कर बैठे गलती तारापुर वाले, ना सुधरोगे। सवाल नंबर 79, जल्दी। कहता है सर ब्रह्मपुत्र नदी असम के किस शहर में इंटर करती है? तो धुबरी से इंटर करती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ठीक है। सवाल नंबर 70, 80 बताओ क्या होगा, जल्दी। सवाल नंबर 80, कहता है दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर स्थित है कहां? बासर में। कहां पे? बासर में स्थित है। कहां पे स्थित है? बासर में स्थित है, बिल्कुल याद रखना। सवाल नंबर 80, ज्ञान सरस्वती मंदिर सरस्वती देवी का मंदिर है जो गोदावरी नदी के किनारे बासर तेलंगाना में स्थित है। कहां पे? बासर तेलंगाना में स्थित है। कहां पे बच्चे? तेलंगाना में स्थित है, याद रखना। चलो आगे देखो, सवाल नंबर 81, जल्दी। आज क्लास 6 बजे से हो रही है क्या? अंगद यादव जी शनिवार को हमेशा क्लास 6 से 8 होता है, ये रैपिड फायर 6 to 8।
नागफनी को हम किस रूप में जानते हैं? मरुद्भिद के रूप में जानते हैं। भाई इंग्लिश ना समझ में आए, हिंदी से तो बता सकते हो, हिंदी से तो बता सकते हो, मरुद्भिद लिखा हुआ है यहां, फिर भी ना बताएंगे लोग, हाइड्रोफाइटा कहेंगे। बताओ नागफनी कौन पानी वाले स्थान में उगता है, जरा बता दो मुझे। सवाल नंबर 82, में किसने परमाणु के मॉडल का प्रस्ताव रखा था जिसके कारण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में हमें जानकारी मिली है? तो सर कहता है जे.जे. थॉमसन ने रखा। किसने रखा? जे.जे. थॉमसन ने परमाणु के मॉडल का प्रस्ताव रखा था। किसने? जे.जे. थॉमसन ने रखा था, बिल्कुल याद रखना। सवाल नंबर 83, जल्दी। क्यों डाल्टन होगा जब उसमें टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ है? तो आमतौर पर अधातुओं द्वारा क्या प्रदर्शित नहीं किया जाएगा? ब्रिटल भंगुर, जबकि लचीलापन होगा, डक्टाइल भी होगा, ठीक है, और कंडक्टर ऑफ हीट भी होगा, ऊष्मा का संवाहक भी होगा, बिल्कुल याद रखना। सवाल नंबर 84, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू कर सकते हैं? आर्टिकल नंबर 123 और राज्यपाल 213, राज्यपाल 213। सवाल नंबर 85, जल्दी। स्वामी विवेकानंद इन द वेस्ट न्यू डिस्कवरीज के लेखक कौन है? तो मेरी लुईस बर्क। कौन है? मेरी लुईस बर्क है। सवाल नंबर 86, सब सिस्टर निवेदिता होगा। तो राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर दूसरे, और अगर मैं बोकारो की बात करूं तो ये तीसरे, बोकारो की बात करूं तो तीसरे, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर दूसरे पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किए गए थे। सवाल नंबर 87, युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? मिंटी अग्रवाल। कौन थी? मिंटी अग्रवाल। कौन है? मिंटी अग्रवाल। सवाल नंबर 88, आज ना कोई ट्रिक बताने वाले हैं आपको, ना कोई एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं, केवल सवाल और जवाब, ताकि बिल्कुल आपको ये एक सप्ताह में पता चल जाए कि सर आपकी तैयारी कैसे, क्या आप रिविजन करते हो या नहीं करते हो। में किसने साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया था? हरिवंश राय बच्चन ने। किसने? हरिवंश राय बच्चन ने प्राप्त किया था। सवाल नंबर 89, अरे भाई मिंटी अग्रवाल है, मिंट अग्रवाल नहीं है, मिंट अग्रवाल लिखे जा रहे, बताओ।
कौन सा बैंक आरबीआई द्वारा लद्दाख के लिए अग्रणी बैंक के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो आरबीआई ने एसबीआई को वहां का अग्रणी बैंक बनाया है। सवाल नंबर 90। जम्मू कश्मीर बैंक, क्या बात है, बिल्कुल सही। हंसते जाओ, ऐसा ही सवाल गलती करते जाओ। मिस टीन इंटरनेशनल 2019 जीतने वाली 27 साल बाद पहली भारतीय कौन बनी है? आयुषी ढोलकिया। इतने करंट अफेयर्स पढ़ते हो आप, करंट अफेयर्स डैश डैश डैश, सुबह करंट अफेयर्स, शाम करंट अफेयर्स, सर करंट अफेयर्स कराओ, फिर भी करंट अफेयर्स में क्या हो जाता है, करंट अफेयर्स में 0/0। क्वेश्चन नंबर 91। हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट? जल्दी, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसके द्वारा की गई? मैक्सवेल के द्वारा की गई थी। किसने किया था? मैक्सवेल ने किया था। किसने किया? मैक्सवेल ने किया था। नहीं, सवाल नंबर 92। जल्दी, कहता किस मिश्र धातु में पारा अपने एक घटक के रूप में होता है? जिंक के साथ होगा, जिंक अमलगम के साथ होगा। किसके साथ? जिंक अमलगम के साथ। जरा बताना, लोहा के साथ अमलगम बनता है क्या? अगर आपको लगता है सर बनता है तो लिखना वाई, अगर लगता है नहीं तो लिखना एन। जल्दी, सवाल नंबर 93। जल्दी, विश्व में तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो तस्करी के खिलाफ की बात करेंगे तो मनाते हैं 28 जुलाई, 28 जुलाई को। कब मनाएंगे? 28 जुलाई को, बिल्कुल याद रखना। सवाल नंबर 94। कभी भी लोहे के साथ अमलगम नहीं बनेगा, ये याद रखना, लोहे के साथ अमलगम कभी नहीं बनेगा, वो एक्सेप्शनल है, अपवाद है। कि पारा होगा, अभी तक किसी का जवाब नहीं आया, पारा तो है ही, अमलगम बनाएगा ही, लोहा नहीं होगा, बिल्कुल याद रखना। कहता है असम द्वारा शुरू की गई अभिनंदन योजना के तहत कौन लाभार्थी हैं? तो छात्रों को लाभ होगा। क्या होगा? छात्रों को ये लाभ होने वाला है। सवाल नंबर 95। जल्दी, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी का मुख्यालय कहां है? मॉन्ट्रियल। कहां पे? मॉन्ट्रियल। अब जरा बताओ मॉन्ट्रियल कहां है, कौन सा देश में है? मॉन्ट्रियल कौन सा देश में है? कनाडा है क्या? मॉन्ट्रियल कौन सा देश में है, किस देश में है मॉन्ट्रियल? कनाडा है क्या? अगर कनाडा है तो बोलना वाई, मुझे लग रहा है कनाडा में, अगर आपको लगता है तो जरा थंब दिखाना। सवाल नंबर 96। और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ठोकना, जरा लाइक करो जरा सेशन को, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो। लाइक जरा ठोको जरा, अगर सेशन अच्छा है तो लाइक तो कर सकते हो। डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दी गई थी? तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एंड क्रिक, किसके द्वारा? वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, सवाल नंबर 97। जल्दी,
न्यूक्लियोटाइड निम्नलिखित में से किस इकाई से बनेगा? तो सर नाइट्रोजन बेस होगा, शुगर होगा और फास्फेट होगा, शुगर होगा, शर्करा होगा और फास्फेट होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट। चलो 98 की बात करें जल्दी, कौन सा नाइट्रोजनस बेस आरएनए में मौजूद नहीं है? क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 बताओ जरा क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजीनियस बेस इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए? जल्दी, क्या होगा? 89, क्या होगा? 89 इज राइट। सवाल नंबर 99 जल्दी लगाओ तुक्का, थायमिन। सब तुक्का लगाओ, लहसुन में तीखी गंध किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होती है? सल्फर यौगिक, सल्फर कंपाउंड, नाइट्रेट कंपाउंड, क्लोरीन कंपाउंड या फास्फेट कंपाउंड? क्वेश्चन नंबर 99 क्या होगा जरा बता दो। सल्फर कंपाउंड, ठीक है। सवाल नंबर 900 बताओ जरा क्या होगा, देख लो। बालों की सेटिंग के लिए ब्यूटी पार्लर जाते हैं ना, तो वहां हम कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं ताकि बाल हमारा बिल्कुल सेट हो अच्छे से? क्या होगा? सल्फर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सल्फर यूज करते हैं। तो हाउ वाज द सेशन, सेशन कैसा लगा जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और देखो सर कि फाउंडेशन कोर्स की बात करेंगे, जो पॉलिटी का शुरू, पॉलिटी के साथ शुरू हुआ है, तो ये बिल्कुल बेसिक टू एडवांस है, जिससे आपके एसएससी, रेलवे, डीआरडीओ, इवन स्टेट लेवल एग्जाम जो है आसानी से आप क्रैक कर सकते हो। तो टाइमिंग याद रखना 4 से 5, 10 जुलाई, ठीक है। बस जब भी आपको सब्सक्रिप्शन